तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। अगर बेसिकली इसको देखोगे तो इसमें कहते हैं एक बैलून है जिसके पास मास 10 ग्राम है। तो अगर ये बैलून है, दिस इज द बैलून, और इसके पास मास जो है वो 10 ग्राम है, ठीक ना। इसका मास जो है 10 ग्राम दिया हुआ है इन एयर। एयर इस्केप फ्रॉम द बैलून यूनिफॉर्म रेट, अगर यहाँ पर एक होल क्रिएट कर दिया जाए तो एयर ऐसे बाहर आ रही है, ठीक है, और जो एयर स्किप कर रही है, एयर स्किप कर रही है, उसकी स्किप 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। एंड द बैलून श्रिंक कम्प्लीटली, मतलब ये जो है बैलून धीरे 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 श्रिंक कर रहा है, और फाइनली जो है वो श्रिंक कर जाएगा ये इस टाइप से। तो उसको श्रिंक करने में 2.5 सेकेंड लगा, मतलब श्रिंक करने के बाद जो है एयर की वेलोसिटी जीरो हो गई, अभी वेलोसिटी वी थी। तो एवरेज फोर्स एग्जर्टेड ऑन द बैलून, तो बैलून पे कुल कितना फोर्स लगेगा ऑन एन एवरेज, वो हमें निकालना है। देखो एवरेज फोर्स अगर निकालोगे तो एवरेज फोर्स इक्वल टू क्या होता है, बैलून की चेंज इन मोमेंटम और टाइम टी उस मोमेंटम को चेंज होने में। तो बैलून से बैलून पे फोर्स क्यों लगेगा, जो एयर के पार्टिकल है वही इस पे फोर्स लगाएंगे। तो एयर के पार्टिकल के जो चेंज इन मोमेंटम आएगा और जितना फोर्स आएगा उतना ही फोर्स तो बैलून पे लगेगा। तो जो एयर के पार्टिकल हैं उसके लिए मैं चेंज इन मोमेंटम इतने टाइम में निकाल लेता हूँ, कितना फोर्स जनरेट कर सकते हैं। तो मास और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टी। तो मास तुम देखोगे तो मास कितना था, फाइनल वेलोसिटी ये तुम देखोगे, ये मास 10 ग्राम था, ठीक है ना, 10, और ये फाइनल फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 5, और टाइम लग गया 2.5 सेकेंड। तो 2.5 सेकेंड माइनस साइन इग्नोर कर दो यहाँ से, क्योंकि माइनस साइन डायरेक्शन के लिए यहाँ 2.5, तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा और ये 5 टाइम्स कट जाएगा। दैट इज़ यहाँ से तुम देखोगे तो जो फोर्स आ जाएगा, फोर्स हो जाएगा 20 न्यूटन नहीं आएगा, 20 डाइन आएगा, ठीक ना। तो वो सीजीएस यूनिट में सॉल्व कर रहे, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो एयर का फोर्स है वो इधर को डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो इतना ही बैलून पे फोर्स लगेगा इधर की डायरेक्शन में, प्लस 20 डाइन, ठीक ना। तो बी ऑप्शन अपना सही है। थैंक यू।